नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत बाजपट्टी थाना क्षेत्र के माधोपुर चतुड़ी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक 13 साल की बच्ची को कुचल डाला। घटना स्थल पर ही उस बच्ची की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने कई घंटे सड़क को जाम किया। वहीं बताया जा रहा है कि आए दिन हाई स्पीड के कारण सड़क पर दुर्घटना हमेशा होती रहती है। वहीं ग्रामीण का कहना है कि ड्राइवर नशा में गाड़ी चला रहा था। इस डीएम ने परिजनों को 5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया और वहीं गाड़ी मालिक की तरफ से 3 लाख रुपए कैश दे दिया गया है। तिरहुत लाइव संवाददाता अनिल कुमार महतो की रिपोर्ट। बने रहे तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। एक मिनट, गाड़ी किधर से आ रहा था? गाड़ी किधर जा रहा था? अंदर किस तरफ से? सीतामढ़ी किधर की ओर जा रहा था? जा रहा था। कैसे घटना हुआ? क्या ड्राइवर पकड़ाया है? पुलिस प्रशासन आया कि नहीं? क्या बोला प्रशासन? मुआवजा दिलाने का बात किया कि नहीं प्रशासन? नहीं किया। केस की हम केस नहीं करेंगे, केस का हम वैल्यू नहीं लेते हैं, केस का वैल्यू नहीं लेते हमको। क्या लाश ले गया? नहीं, लाश लेना ही जाए। क्या आप लेने जाने दीजिएगा? नहीं ले जाने देंगे। क्यों नहीं ले जाने देंगे? क्यों क्यों पुलिस क्या होता है? क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? चाहिए मैनेज करेंगे। क्या पुलिस क्या बोला? पुलिस वाला से अभी बातचीत नहीं हो रहा है। बात हो रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर थाने से जाएगा तो पुलिस वाला किसी का नहीं है, वो तो पैसा लेकर मैनेज कर लेगा। यह घटना कितने देर पहले हुआ? घटना हुआ था मतलब 2-2.5 बजे के कितने हुआ था? और अभी तक लास्ट कितना बज रहा है? टाइम 5 बजे। टाइम बताओ तो भाई। अभी तक गाड़ी मालिक क्यों नहीं आया? अभी तक यहाँ पर लाश रखा हुआ नहीं तो मुआवजा है 5 लाख का मुआवजा। ये जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जो भी ड्राइवर है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सड़क पे किस तरह गाड़ी चलाए? देखिए, हम लोग हमेशा ट्रैफिक के लिए हमेशा पुलिस भी अभियान चलाती है, हम चलाते हैं, लोगों को भी जागरूक फैलाते हैं कि इस तरह चीज़ें नहीं हो। और ड्राइवर लोग भी सेंसरली चलाएं और गाँव के रास्ते जब गुजर रहे हैं थोड़ा धीरे चलाएँ, और ताकि जो है लोगों को आराम से किसी दिक्कत नहीं। DTO ऑफिस को भी चाहिए कि प्रचार प्रसार तेज करे, असल काम उनका होता है DTO ऑफिस का। सफलता बनाते हैं हर बार और लोगों को प्रचार प्रसार चलता है, लेकिन गांव गांव में तो संभव नहीं है कि अब जाके हम लोग प्रतिदिन पुलिस फोर्स रख करके किसी को बताए। लोगों में स्वयं जागरूक होने की जरूरत है। जैसे बच्चे के मामले में देखा अभी मैंने उसका, तो वहाँ पे निश्चित उसके ऊपर साइकिल पे एक छोटी सी बच्ची है, 25 किलो उसका वजन हुआ होगा। वो पूरा ओवरलोड किया, पूरा मुड़ी रखी हुई है। नहीं नहीं, वो तो मतलब मुड़ी का उतना लोड नहीं है, मुश्किल से गाड़ी पर 10 किलो का लोड है, देखा जाएगा। ठीक है, वो मुड़ी है, उसमें 5 किलो से अधिक मुड़ी है, साइकिल फंस गया, 10 किलो के अंदर का लोड है, उस पर ओवरलोड साइकिल पर नहीं कहा जा सकता है। सरकारी प्रावधान होगा, उसके अनुसार मुआवजा जो है 5 लाख रुपया का जो होता है, दावा जांच अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होता है, परिवहन विभाग को मिलता है। क्या क्या मुआवजा है कुछ तयशुदा बताया जाए? उसमें दुर्घटना वाहन दुर्घटना में 5 लाख का है प्रावधान जी। यहाँ परिजनों के द्वारा एक शिकायत भी है कि गाड़ी पे ओवरलोड है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जितना माल होना चाहिए उससे ज़्यादा है। देखने में आप तो जांच में आ जाएगी ये बात सब, जांच में ये बात सब आएगी। अच्छा, इसके जगह जगह इस तरीके के हादसात पेश आ रहे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पा रहा, इससे निजात का कोई रास्ता? हम लोग प्रशासन तो इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन जो मैंने होनी है उसको क्या कहेंगे। अब जैसे ये बड़ी हाईवा गाड़ी है और ये गाँव देहात का इलाका है सर, तो क्या इसी रास्ते से ही इसको जाना ज़रूरी है? कोई दूसरा रास्ता इसके लिए तय नहीं है? हम लोग देखते हैं अपने स्तर से कि इसको किस रूट से ले जाना जाए, इस तरह से है। चलिए।